रणबीर कपूर अपने कैंप की जिस यंग ब्रिगेड को सिग्नल तोड़ताड़ कर करियर में मदद कर रहे थे, उन्हीं में से एक ने सारे सिग्नल तोड़ताड़ कर खुद रणबीर के करियर और पर्सनल लाइफ की गली में घुसा दी है अपनी गाड़ी। उस यंग स्टार ने अब सिर्फ रणबीर के प्यार की डगर पर ही कदम बढ़ाने शुरू नहीं किए हैं, सिर्फ रणबीर की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से नैन मटक्का करने की चाहत नहीं जताई है, बल्कि उसने तो अब कर लिया है रणबीर को ही ब्रांड वर्ल्ड में चैलेंज करने का पक्का इरादा। रिपोर्टेडली रणबीर के ही एक सबसे क्लोज बडी ने साइन किया है रणबीर के मोबाइल ब्रांड के एक बड़े राइवल ब्रांड को। ये तो जूम आपको पहले ही बता चुका है कि हाल ही में रणबीर को एक बड़ा चैलेंज मिला था जब रणबीर सिंह के साथ हो रही एक इंटरनेशनल मोबाइल ब्रांड की डील की खबर आई थी। लेकिन ये मोबाइल वॉर लेने जा रहा है एक खतरनाक मोड़, क्योंकि जहां रणबीर को इस लड़ाई में सक्सेस की तरफ तेजी से बढ़ते अपने सबसे बड़े कंपेटिटर रणबीर सिंह को हराना है, वहीं इस जंग में उनके अपने कमांडर्स भी उन्हें कॉम्पिटिशन देने के लिए तैयार है, प्रोफेशनल लेवल पर भी और पर्सनल लेवल पर भी, क्योंकि रणबीर की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड कैटरीना से फ्लर्ट करने की चाहत भी रखता है उनका ये क्लोज बड़ी। मैं कोई सीनियर एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करना चाहूंगा जिसकी जरूरत मुझे आमने सामने नहीं होगी, तो शायद कैटरीना कैफ। अच्छा, पिटेगा। जी हाँ, वरुण धवन ही है रणबीर के वो सबसे क्लोज बारीज में से एक, जो लगता है रणबीर से ही कम्पीट करने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि वो रणबीर ही हैं जिनके वरुण को एड वर्ल्ड में काफी सपोर्ट करने की खबर आई थी। रिपोर्टेडली वरुण की सबसे पहली ब्रांड एंडोर्समेंट डील में भी रणबीर का काफी इम्पोर्टेंट रोल बताया गया था। तब कहा गया कि रणबीर क्योंकि खुद एक इंटरनेशनल सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड को प्रमोट करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने कैंप के ही वरुण धवन का नाम अपने राइवल सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड के लिए स्ट्रॉन्गली पिच किया। आखिर वरुण को रणबीर अपने यंग कैंप का काफी अफेक्शनेट मेंबर जो बताते आए हैं। अर्जुन, वरुण अभी फिल्म में डेब्यू कर रहा है, रणबीर है, इमरान है, शाहिद है, प्रतीक है, आदित्य रॉय कपूर है, ये सब हम एक पीढ़ी के एक्टर्स हैं, वी ऑल आर फ्रेंडली। जब भी हम मिलते हैं, हमको टाइम मिलता है मिलने के लिए, तो हम फुटबॉल खेलते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं। मैं अर्जुन और वरुण को बचपन से जानता हूँ। वैसे हो सकता है कि वरुण के पहले ब्रांड एंडोर्समेंट की ही तरह रणबीर ने इस बार भी उस राइवल मोबाइल ब्रांड के लिए खुद ही वरुण का नाम आगे बढ़ाया हो, जिसे वो अपने ब्रांड कमिटमेंट की वजह से चाहकर भी साइन नहीं कर सकते। वैसे रणबीर उसी ब्रांड के LED और LCD टेलीविजन्स अभी भी एंडोर्स करते हैं। कैटरीना भी उसी ब्रांड के एयर कंडीशनर्स प्रमोट करते देखी जाती रही हैं। और अब जब सुनने में आ रहा है कि उसी ब्रांड के मोबाइल्स को प्रमोट करने के लिए चुना जा रहा है वरुण धवन को, ऐसे में इशारा तो यही मिल रहा है कि रणबीर को भी पता है कि वो खुद जाकर भी सारे ब्रांड्स एंडोर्स नहीं कर सकते, ऐसे में अपने कैंप के यंग स्टार्स को भी क्यों ना प्रमोट किया जाए। लेकिन अगर कहीं रणबीर के करियर और लव लाइफ से जेलस होकर किसी की नियत डोल जाए तो भला इसमें कोई क्या कर सकता है। मैं कोई सीनियर एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करना चाहूंगा। कैटरीना कैफ। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।